हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, क्लास 10 का, जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। और इस साल क्लास 10 में आपको पूरे ज्योग्राफी के लेसन में सिर्फ दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। अब वो दो कंट्रीज़ कौन से हैं, यही इस लेसन की शुरुआत है। इस लेसन की शुरुआत ही इस तरीके से है कि आपको कुछ हिंट्स और क्लूज दिए हैं जिसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो दो कंट्रीज कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या वो हिंट्स हैं जिसके बेस पे ये बात है कि आप पहले कंट्री को बहुत जल्दी पहचान लोगे, दूसरे कंट्री में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हिंट हैं। कि वो एक ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो आपको सोचना है कि वो कंट्री कौन सा है जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है। आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए सेकेंड क्लू के पास चलते हैं। सेकेंड क्लू ये है कि पूरे वर्ल्ड में वो कंट्री फेमस है अपने स्पाइसेस को लेके। पूरे वर्ल्ड में वो मेजर एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। स्पाइसेस का मतलब मसालों का, मसालों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है वो। और थर्ड जो आपके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा वो ये है कि वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो आप बखूबी समझ चुके हो कि वो कंट्री कौन सा है, इन शानदार प्लेयर्स को देखने के बाद, इनके टी शर्ट्स को देखने के बाद। तो जी हाँ, वो कंट्री है हमारा प्यारा देश इंडिया। चलिए इसके बाद जो सेकेंड कंट्री के बारे में हमको जो हिंट दिया है उसके बारे में समझते हैं। सेकेंड कंट्री का हिंट ये है कि वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सांबा डांस सबसे ज़्यादा फेमस है। पूरे वर्ल्ड में वो डांस फेमस है। आप सोचिए कि सांबा डांस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये पहला हिंट है। और अगर दूसरे हिंट के बारे में बात करेंगे तो दूसरा हिंट ये है कि उस कंट्री को बोला जाता है कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का वो कॉफ़ी पॉट है, एक कॉफ़ी का प्याला है, कप है, ऐसा समझिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉफ़ी का वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो एनसर्कलिंग यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे वो कंट्री लोकेट है। आप अगर जानते हो तो आप समझ जाओगे। और इसके बाद जो आखिरी हिंट दिया है वो ये है कि उस कंट्री में जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। और उसके बाद ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ये उस कंट्री का नेशनल फ्लैग है। अगर अभी तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझा है तो चलिए देखते हैं वो कंट्री कौन सा है। तो वो कंट्री है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील और इंडिया, ये दो कंट्री के बारे में आपको लोकेशन, एक्सटेंट और इस क्लास 10th में आपको काफ़ी कुछ इन दो कंट्रीज़ के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करना है कि यहाँ पे इंडिया में क्या है और ब्राज़ील में क्या है। और ये जो देख रहे हो ऑर्डर ए प्रोग्रेस, हो इसका जनरल मीनिंग है कि ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले टेक्स्ट बुक में चलते हैं। और टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो पहला जो शुरुआत है वो यही चीज़ है जो हमने अभी देखा कि फिव हिंट्स एंड द फ्लैग्स ऑफ टू कंट्रीज आर गिवन बिलो, यूजिंग देम आइडेंटिफाई दीज टू कंट्रीज। आइडेंटिफाई करिए दो कंट्री के बारे में जिसको आपने पहले फर्स्ट कंट्री को आइडेंटिफाई कर चुके हो। यहाँ पे ये भी लिखा है कि यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वन ऑफ देम, एक आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर ये बोला कि एंड होप यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द अदर टू, ये भी चीज़। और वही हिंट था कि द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, और क्रिकेट इज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट हियर। उसके बाद यहाँ पे वही है कि फेमस फॉर सांबा डांस। याद रखिए सब ऑब्जेक्टिव्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछे जा सकते हैं। नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। और थर्ड है कि फुटबॉल इज ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस ग्लोब को हम थोड़ा फ्लैट करेंगे और ये जितने भी लैंड मासेस हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको समझेंगे और समझेंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आप जानते हो और 4 ओशंस हैं, उनको हमको समझना है। सबसे पहले कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो वो है एशिया, जहाँ पर आपका इंडिया, हमारा इंडिया लाई करता है। सेकेंड आप कहीं पे भी जा सकते हो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेकेंड जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, वो है, ऐसा नहीं कहीं पे भी आप जा सकते हो, 7 कॉन्टिनेंट्स आपको बताना है। थर्ड यहाँ पे है एंटार्क्टिका, उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये है अफ्रीका, यहाँ पे चलते हैं ये है यूरोप, और उसके बाद यहाँ चलेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं।
फिर ओशंस के बारे में अगर बात करेंगे तो फोर ओशंस में से पहला जो ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन है, वो है पैसिफिक ओशन। ये दो ओशन नहीं है, ये फ्लैट है, इसके लिए आपको दो जगह दिख रहा है। इसको जब ग्लोब में आप ले लेंगे तो ये एक ही है और सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकेंड ओशन के बारे में बात करेंगे तो वो है इंडियन ओशन, एक अकेला ओशन जिसको इंडिया का नाम पड़ा है, मतलब एक ऐसा ओशन जिसको कंट्री का नाम पड़ा है, बाकी ऐसे कोई भी ओशन नहीं जिनको कंट्री का नाम मिला हो, तो इंडियन ओशन सेकेंड ओशन हो गया। थर्ड ओशन की बात करेंगे तो वो है अटलांटिक ओशन, और अगर फोर्थ की बात करेंगे तो वो है आर्कटिक ओशन। तो टोटल फोर ओशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो अगर कॉन्टिनेंट्स को समझना है तो कॉन्टिनेंट्स आपको इस तरह दिखेंगे कि एशिया कैसा है, कितना बड़ा है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ से आपको उनका एक्सटेंट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम देखने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, मतलब ग्लोब जो है हमारा, अर्थ जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इमेजिनरी लाइन को समझा गया है जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जिसमें जो सबसे सेंटर से गया है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। उसी तरह वर्टिकल पोजीशन में जो भी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हम देखेंगे वो है लॉन्जिट्यूड, जिसमें से सबसे सेंटर में जो आएगा, जो यहाँ पे समझा जा रहा है फिलहाल, वो यहाँ पे रहता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियंस, और बाकी सभी को मेरिडियंस बोलते हैं, और ये है प्राइम मेरिडियन जो सबसे सेंटर में रहता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अब पूरे वर्ल्ड का एक्सटेंट अगर आपको समझना है तो उसके लिए जो लैटिट्यूड है उसमें इक्वेटर जो है उसको 0 डिग्री समझा गया है, और फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ अगर चलेंगे तो टोटल जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ऐसे को मिलाते मिलाते 90 डिग्री समझा गया है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर 0 डिग्री है और यहाँ पे अगर 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम एक्सटेंट समझ पाएंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट है या ये जो कंट्री है उसका एक्सटेंट कितना है, आप देखेंगे आगे। तो जो लैटिट्यूड्स है वो 10 डिग्री को करते करते टोटल 90 डिग्री तक ऊपर है, 0 से 90 ऐसा समझिए, 10 डिग्री मत समझिए, 0 से 90 समझिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ, और 0 से 90 नीचे की तरफ आइए साउथ की तरफ। फिर आप एक लैटिट्यूड यहाँ पे देखिए जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, जो 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ की तरफ है, और एक लैटिट्यूड इसको बोलिए जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है, जो 23 डिग्री 26 मिनट साउथ पे है। अब ये दोनों लैटिट्यूड के बीच में जो टेम्परेचर है वो कुछ अलग होता है, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े अलग एंगल से देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये इक्वेटर है, फिर ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, और बीच में भी लाइन जो रहेंगे वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब रहेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा समझिए, डायरेक्टली 10 20 ही नहीं रहता है, सारे लाइंस हैं। तो टोटल 90 डिग्री तक नॉर्थ है, 90 डिग्री तक साउथ है। उसी तरह यहाँ पे लॉन्जिट्यूड अगर आप देखेंगे, ये प्राइम मेरिडियन है, इस तरफ पूरा 180 डिग्री, उस तरफ पूरा 180 डिग्री, इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है लाइंस का, लॉन्जिट्यूड का और लैटिट्यूड का। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि एक लैटिट्यूड और दूसरा लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री और जो 1 डिग्री है, दोनों लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 69 माइल्स होता है, अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे पीछे भी है, और 69 माइल्स का मतलब होता है 111 किलोमीटर, वो भी अप्रॉक्सीमेट आप समझिए। तो 0 से 10 डिग्री तक अगर आप चलते हो तो आप 1110 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हो, मतलब 690 माइल्स, क्योंकि 0 से 10 डिग्री तक, क्योंकि 0 से 1 डिग्री तक 69 है, तो 0 से 10 डिग्री तक 690 माइल्स हो जाएगा। तो इतना बड़ा डिस्टेंस होता है अगर 10 डिग्री भी आप क्रॉस करते हो। तो इसी से हम पूरे कंट्रीज़ के जो एक्सटेंट है, कितना बड़ा कंट्री है, कौन सा कंट्री बड़ा है, वो सारी चीज़ हम पता लगाते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो ये है थोड़ा आपका फ्लैट किया हुआ ग्लोब को, थोड़ा सा एक झलक है सिर्फ आपके लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे इंडिया का लोकेशन, कि इंडिया कहाँ पे लोकेट है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे एक इक्वेटर जो सेंटर से पास होता है, और आप समझिए कि अगर इक्वेटर इस तरह है, क्योंकि वो लैटिट्यूड है, तो पूरे ग्लोब का दो जो पार्ट होता है, दो जो हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब एक स्फेरिकल पार्ट को जब आप हाफ करते हो तो हेमिस्फीयर होता है। तो यहाँ पे भी इक्वेटर की वजह से दो हाफ हाफ स्फीयर आए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो एक इक्वेटर से जो इस तरीके का डिवीजन होता है, उसमें ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब इतने के बाद अगर आपसे या हमसे पूछा जाए कि इंडिया कहाँ पे आता है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील कहाँ पे आता है, तो ब्राज़ील का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है,
और जो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ये जो चीज़ जैसा आ रहा है आपको वैसे ही बताना है कि मेजर पोर्शन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है और थोड़ा सा जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, ये तो इक्वेटर से हुआ, अब हम मेरिडियन ड्रॉ करेंगे, प्राइम मेरिडियन जो वर्टिकल पोजिशन में रहेगा। तो जब हम मेरिडियन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली ऐसा, तो अब जो ग्लोब है आपका उसका डिवीजन एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि इसके वजह से अपर और लोअर हुआ था और इसके वजह से राइट और लेफ्ट होगा। तो राइट वाला जो है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये भी एक हेमिस्फीयर है, आधा अर्थ है और या आधा स्पीयर है इसे समझिए, और इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया अब अगर आप बोलेंगे तो कहाँ पे लाई करता है, तो इंडिया दो हेमिस्फीयर पे लाई करता है। लैटिट्यूड की बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लॉन्जिट्यूड की अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। उसी तरह अगर ब्राज़ील की बात करेंगे तो लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो मेजर जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और कुछ पोर्शन नॉर्दर्न में है, और अगर लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर से देखते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, और अगर ब्राज़ील की बात करेंगे तो वो वेस्टर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, आप ऐसा बोल सकते हो मेजर पोर्शन के हिसाब से। चलिए इसके आगे चलते हैं और इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं कि इंडिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप याद रखिए, इंडिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दूसरी बात है कि इंडिया को अगर आप कॉन्टिनेंट में देखोगे कि किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको पता है कि वो एशिया में आता है, और एशिया में भी कहाँ पे आता है कि ये अगर आपका एशिया है तो एशिया का ये नॉर्थ है, एशिया का ये वेस्ट है, एशिया का ये ईस्ट है, और एशिया का ये क्या है साउथ, तो सदर्न पार्ट में आता है। इंडिया एशिया के कॉन्टिनेंट में साउथ में आता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है। ये आपको याद रखना, ये सारी चीज़ें जो बताया जा रहा है आपको, ये सब आपको ध्यान से समझते रहना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया जो है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये आपको पता भी होगा। तो एक बार फिर से देख ली कि एरिया वाइज इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंट, इंडिया का एक्सटेंट क्या है। तो ये आप जानते हो इक्वेटर है और ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी लाइन्स हैं। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, अगर यहाँ से एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया जाए जो इसको टच कर रहा है, तो वो कितने डिग्री पे आएगा, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर को समझा जाता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते 90 डिग्री तक आप पहुँचोगे। तो सदर्न मोस्ट टिप का लैटिट्यूड ये है, और अगर नॉर्दर्न मोस्ट टिप अगर नॉर्थ की तरफ चलेंगे एकदम ऊपर की तरफ, तो वहाँ से अगर एक हम लैटिट्यूड बनाएंगे तो वो नॉर्थ का लैटिट्यूड है। अब ये दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही इनका एक्सटेंट रहेगा, नॉर्थ और साउथ इंडिया का। तो आपको ये देखना है कि ये जो लैटिट्यूड है वो कितना डिग्री पे आता है। तो ये आता है 8 degrees 4 minutes नॉर्थ। अब देखिए 8 degrees आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जीरो से अगर शुरू हो रहा है तो फिर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 7 8 9 10 ऐसा आते रहेगा। तो ये जो है सदर्न टिप वो एग्जैक्टली 8 से शुरू नहीं होता, 8 से थोड़ा आगे है, तो हम उसको बोलते हैं 4 minutes। अब इसका ये मतलब है कि 1 degree के बीच में, मतलब 8 degrees और 9 degrees के बीच में 60 divisions है। स्टूडेंट्स याद रखिए 60 divisions करिए, तो 1 division को हम 1 minute बोलते हैं। तो 4th minute पे अगर चलोगे तो आपका इंडिया का सदर्न टिप आता है। और दूसरी बात ये भी चीज़ याद रखना है कि मिनट और मिनट के बीच में भी 60 divisions करेंगे तो 1 division को सेकेंड बोलते हैं। मतलब आप समझिए कि 8 degrees से 9 degrees के बीच में आपको 60 equal divisions करना है, जिसमें से 1 division को आप 1 minute बोलोगे। तो इंडिया का जो सदर्न टिप है वो 4 minutes से शुरू हो जाता है, और अगर थोड़ा सा आगे होता 5th minute पे भी नहीं आता तो सेकेंड्स में भी आता था। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली समझिए, या ऐसा समझिए कि 8 degrees से थोड़ा आगे है, 4 minutes से शुरू हो रहा है, और डिग्री और डिग्री के बीच में 60 parts अगर आप देखोगे, 60 parts, तो 1 part को आप बोलोगे 1 minute। उसी तरह अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो वो है 37 degrees कंप्लीट होता है, और थोड़ा और आगे चलता है तो वो 6 minutes तक आता है। और दोनों नॉर्थ और नॉर्थ इसलिए बोला गया क्योंकि लैटिट्यूड के वजह से इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसीलिए नॉर्थ और नॉर्थ बोला गया है। आप साउथ और नॉर्थ मत समझना यहाँ पे, और ना ही साउथ और नॉर्थ लिखना यहाँ पे, क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम देख रहे हैं और हमने लैटिट्यूड ड्रॉ किया है, और लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसीलिए वो नॉर्थ और नॉर्थ है। फिर अब हम क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूड बनाते हैं। लॉन्जिट्यूड
और लॉन्जिट्यूड का ये वेस्टर्न टिप है और यहाँ पे ईस्टर्न टिप है। अब इसकी शुरुआत होती है 68°7' से, ईस्ट से, और इसका जो एंड है वो है 97°25' ईस्ट। अब इस बार फिर से दोनों को ईस्ट इसलिए लिया है क्योंकि जब प्राइम मेरिडियन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसीलिए दोनों को हम ईस्ट ही बोलेंगे, ना कि इस तरफ वाले को वेस्ट बोलेंगे और ना इस तरफ वाले को ईस्ट बोलेंगे, एग्जैक्टली जैसा है। तो ईस्ट और ईस्ट ही बोलना पड़ेगा। तो 68°7' से शुरुआत होता है लॉन्जिट्यूड और इस तरफ एंड होता है 97°25' से, और इसके अकॉर्डिंगली एक्सटेंड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। चलिए फिर टेक्स्ट बुक में जो मैप है उसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो टिप है वो 8°4' से स्टार्ट होता है लैटिट्यूड पे, और नदर्न जो टिप है वो 37°6' नॉर्थ में एंड होता है। दोनों नॉर्थ फिर से इसलिए है क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह अगर यहाँ पे चलेंगे तो 68°7' ईस्ट से शुरू होता है और 97°25' ईस्ट पे ख़त्म होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वाटर बॉडीज़ में तो इस तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, और ये आप जानते हो इंडियन ओशन है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि ये तो इंडिया का मेन लैंड है, आप ऐसा समझिए, मेन लैंड का मतलब इंडिया का मेन लैंड। उसके बाद ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हो ये भी इंडिया की प्रॉपर्टी है, पर वो मेन लैंड में नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। तो वहाँ पे अगर इंडिया की अगर प्रॉपर्टी है तो इंडिया का यहाँ पे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसमें सबसे नीचे जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसकी शुरुआत अगर लैटिट्यूड से अगर आप देखेंगे तो 6°45' नॉर्थ से शुरू हो रहा है। याद रखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है ये चीज़। तो ये इंडिया का ही प्रॉपर्टी है, अंडमान निकोबार आइलैंड है जिसका सबसे नीचे की अगर तरफ चलेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट, जिसकी शुरुआत है 6°, मतलब अगर देखा जाए तो इससे भी नीचे है क्योंकि ये 8° से शुरू हो रहा है और ये 6° से शुरू हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और जो वाटर बॉडीज़ है उसको समझते हैं। तो इंडिया के वाटर बॉडीज़ की अगर बात करेंगे वेस्ट की तरफ, तो इंडिया के वेस्ट में है वाटर बॉडीज़ के फॉर्म में अरेबियन सी, फिर वेस्ट में जो उसका नेबरिंग कंट्री है वो है पाकिस्तान, और एक है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान इसके पीछे है, तो इंडिया का नेबर इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो एक पार्ट है देखिए यहाँ तक आ रहा है जो कश्मीर को टच कर रहा है ऊपर, तो नेबरिंग में आ गया, उसके बाउंड्री को टच कर रहा है। फिर अगर नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो नॉर्थ में जो इंडिया का नेबर है वो है चाइना, जो इतना बड़ा आप देखने को देख रहे हो, फिर एक है नेपाल, उसके बाद यहाँ पे है भूटान या भूटान, ये हो गया नॉर्थ के नेबरिंग कंट्रीज। फिर अगर ईस्ट की तरफ आते हो तो ईस्ट में वाटर बॉडीज़ के फॉर्म में है बे ऑफ बंगाल, फिर यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश, और यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। फिर अगर साउथ में चलते हो तो साउथ में आपके पास ओशन है इंडियन ओशन, एक कंट्री है श्रीलंका, और एक कंट्री है यहाँ पे इंडोनेशिया। तो ये थे सभी नेबरिंग कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़। चलिए अब चलते हैं टेक्स्ट बुक के पेज पे और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि नेम ऑफ द कंट्री इंडिया का, तो वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सेकंड जो लिखा है नेम ऑफ द कैपिटल, तो ये आप जानते ही हो कि इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर देखिए लोकेशन एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज के बारे में अगर आप समझोगे तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले जो ऑलरेडी हमने देखा है। क्या लिखा देखिए कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, तो आप जानते हो कि इंडिया नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। सेकेंड क्या लिखा कि इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, तो एशिया के कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ अगर चलेंगे, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो इंडिया एशिया के सदर्न पार्ट में आता है। तो वही लिखा है कि इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1, मतलब ये वाला जो फिगर आप देख रहे हो इसके हेल्प से आपको क्या बोला है, फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इंडिया, इंडिया के मेन लैंड का एक्सटेंट बताइए। तो आप जानते हो कि ये है इंडिया का मेनलैंड का एक्सटेंट। अब यहाँ पे बोला कि फिल इन द डिग्रीज वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेसेस, मतलब डिग्रीज में आपको फिल करना है वैल्यूज को और ये ब्लैंक स्पेसेस में। तो नॉर्थ और नॉर्थ बोला है, मतलब लैटिट्यूड्स की बात किया है जिसको पैरेलल्स भी बोलते हो आप, तो कितने डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि 8°4' से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप 8 लिखोगे, तो 8°4' नॉर्थ से शुरू हो रहा है और 37°6' नॉर्थ में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे 6 मिनट लिखा हुआ है, 37 डिग्री यहाँ पे हमको लिखना है,
ये आपको याद भी करना है, ये लैटिट्यूड्स हो गया। और अगर ईस्ट की बात करेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में लॉन्जिट्यूड में, तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है, तो 7 मिनट यहाँ पे लिखा है, 68 बाकी है। और उसके बाद यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है, तो 97 डिग्री आपको लिखना है और 25 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको बताना था। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। आप जानते हो कि इंदिरा पॉइंट जो है, यहाँ पे हमने देखा था, वो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है, इंडिया के मेन लैंड में नहीं है लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट है। और वो सबसे साउथ में अगर चलेंगे तो ये इंडिया का साउथ मेन लैंड का पार्ट है लेकिन ये इंडिया का ही प्रॉपर्टी है। तो सबसे, ऐसा बोला जाए कि इंडिया का सबसे साउथ पार्ट क्या है, सबसे सदर्न टिप क्या है, तो आप ये बोल सकते हो लेकिन वो मेन लैंड का है। और ये मेन लैंड का नहीं, यहाँ पे मेन लैंड के बारे में नहीं बोला है कि टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड नहीं है, इंडिया का है। तो इंडिया का ये मेन जो सदर्न टिप है वो है इंदिरा पॉइंट, और जिसका लोकेशन आप देख रहे हो एक्सटेंट के हिसाब से 6 degrees 45 minutes पैरेलल, मतलब लैटिट्यूड। फिर देखिए आपसे क्या बोला कि ऑब्जर्व द फिगर 2.1, ये सभी फिगर्स आप याद रखिए। उसके बाद क्या लिखा है कि ऑब्जर्व द फिगर 2.1, ये वाला फिगर, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। आपको करना क्या है, कंट्रीज और वाटर बॉडीज आपको बताना है। हमने ऑलरेडी देखा है कि कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं इंडिया के आजू बाजू में, और हमने ये भी देखा है कि वाटर बॉडीज़ में कौन कौन से आते हैं इंडिया के नेबरिंग में। बस आपको क्या करना है, इसको एक बॉक्स में फिल करना है जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक का जो बॉक्स दिया है, टेबल जो दिया है, टेबल को उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं। आपसे बोला है, डायरेक्शंस दिया है और नेबरिंग कंट्रीज़ बोला है, तो चलिए यहाँ पे खुद ही पहचानी, यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया जाएगा कि वेस्ट की तरफ अगर आप चलोगे तो वेस्ट में क्या है। तो आप वीडियो के पीछे जाके आप वेस्ट में देख सकते हो। अगर आपको याद है तो मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट में है अरेबियन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर अगर ऊपर की तरफ चलेंगे, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में क्या था, तो आप थोड़ा सा सोचिए और आपको पता चलेगा कि नॉर्थ की तरफ है चाइना, नेपाल और भूटान। फिर अगर ईस्ट की तरफ चलते हैं तो वाटर बॉडीज़ भी आपको बताना है, सीज और ओशंस भी बताना है। तो ईस्ट की तरफ अगर आप चलते हो तो बे ऑफ बंगाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। और फिर अब बचता है साउथ, तो साउथ में आपको मालूम है कि इंडियन ओशियन है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक हम देखने वाले हैं, इसके बाद वाले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक ठोकिए ज़रूर, और प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।